हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। धनखड़ ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह अपनी घरेलू सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसकी जानकारी उन्होंने पहले भी दी थी, लेकिन फिलहाल पार्टी का इन बातों पर ध्यान नहीं है। वो अपने संगठन को मजबूत करने पर लगे हैं और आम लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र जो है वो सांसद हैं, वीरेंद्र सिंह जी पार्टी के सीनियर नेता हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि उनकी विधानसभा पर गठबंधन का व्यक्ति जीता हुआ है और वो डिप्टी सीएम भी है। अब उनका मानस है कि उनकी जो परंपरागत सीट है वो सीट उनकी हो, और ये बात वो हमको छोटी मीटिंगों में भी कह चुके हैं, बड़ी मीटिंग में भी उन्होंने वही बात कही है। तो क्या मतलब जो है ये मामला सुलझ जाएगा? नहीं नहीं, इसमें उलझन कुछ नहीं है। अभी हमारा गठबंधन जो है सरकार चलाने का है। अभी आगे चुनाव का गठबंधन होगा तो उस समय चीजों पर विचार होगा, अभी तो इस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा। इसलिए उनकी एक सीनियर आदमी अपनी राय उन्होंने राय दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी धनखड़ ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले आपके नेता जेल में है, अगर वो निर्दोष होते तो कब के बाहर होते, इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। गठबंधन से डर गई है भाजपा, इसीलिए जो है ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई तो होगी ही होगी। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। केजरीवाल जी के तक ये पहुँचाइए कि बयानों से इस बात का निदान नहीं हो सकता है, इस बात का निदान कानूनी कार्रवाइयों से होता है, कानूनी तरीकों से होता है, न्यायालय में होता है। उनके पहले जो आदमी बंद हैं अगर वो दोषी नहीं होते तो अब तक बाहर होते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ बातों की लड़ाई जो है वो न्यायालयों में तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होती है कि आपके पास क्या तथ्य हैं, जिन्होंने आपके कार्रवाई की है उनके पास क्या तथ्य हैं। इसलिए अगर दोषी हैं तो केवल बयानों से वो नहीं बचा सकते। आप पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान हमेशा देते हैं, लेकिन बयान तभी तक कामयाब माना जाता है जब बयान सत्य पर आधारित हो। झूठे बयानों का प्रभाव नहीं होता। अगर इनके लोग साफ पाक और ईमानदार होते तो अभी तक वो बाहर होते। देश की न्यायपालिका बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करती है। वही कह रहे हैं कि चार मुख्यमंत्री भी निशाने पे हैं। देखिए, अगर कोई भी गलत है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई भी गलत है, अगर गलत है तो निश्चित रूप से ये एक होना ही चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में जो गलत चीज़ें हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होना देश की शुचिता के लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई ईडी की है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों? देखिए, ये हमेशा ही ये सवाल उठते हैं, लेकिन आप शायद आप देखते होंगे और आप देख भी रहे होंगे, आपका कैमरा पूरे व्याप के साथ दिखाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार सुचिता के लिए कटिबद्ध है। लेकिन पत्रकारों पर जिस तरह से भैया बताया ना मैंने, सरकार सुचिता के लिए कटिबद्ध है ये आपको दिखाई देगा, सरकार ईमानदारी के लिए कटिबद्ध है ये आपको दिखाई देगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में SYL का एक बूंद पानी भी हरियाणा को ना देने पर बवाल मच गया है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसे न्यायालय पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय के आदेश पर ही सारे काम होंगे। पंजाब सरकार से SYL के मुद्दे पर राजनीति में ना करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर राजनीति करना घृणित कार्य है। वो तो बनाने का काम देखो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले, अभी फिर हम आपको कह रहे हैं, सख्ती के साथ कह रहे हैं कि आप बनाइए, और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था खड़ी करने के लिए कहेगा केंद्र सरकार को, व्यवस्था केंद्र सरकार खड़ी करेगी। राज्य सरकार को जो आदेश करेगा वो राज्य सरकार करेगी, क्योंकि इस मामले पर इतनी राजनीति हो गई है कि लोग तुरंत बट जाते हैं। अब इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है, अब ये केवल न्यायालय के आदेश से ही, जैसे एक समय था ना राम जन्मभूमि पर बहुत राजनीति थी, लेकिन एक समय आया कि न्यायालय बीच में आया, न्यायालय ने फैसला दिया, राम मंदिर बन गया, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा। अगर खाली राजनीति के भरोसे रहता तो पता नहीं राम मंदिर कितने समय तक जो है और लटक सकता था। न्यायालय बीच में आया तो राम मंदिर पर निर्णय हुआ, पूरे देश ने स्वीकार किया, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बहुत सिंसियरिटी के साथ पंजाब सरकार को कहा है, मतलब बहुत, मैं कहूँगा कि जितनी कठोर भाषा में कह सकते थे उतनी कठोर भाषा में कहा है कि आप कानून से ऊपर नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल किया। इसलिए जो ही सर्वोच्च न्यायालय ये कहेगा कि आप इस प्रकार के इंतजाम कीजिए, केंद्र राज्य सरकार वो इंतजाम करेगी।
पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई है अभी, उसमें फैसला लिया गया है कि हरियाणा को एक वोट कानून नहीं लिया जाए। इसी ने मेरा सवाल है, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये दोहरी नहीं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का फैसला। पहले भी एक आधी रात को उन्होंने विधानसभा बुलाकर किया था। ये फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई फैसला हो नहीं सकता। ये मानवीयता के खिलाफ है। गुरुओं की भूमि से इस प्रकार की राजनीतिक सोच के साथ फैसला आना, ये इससे कोई बात, ये मानवीयता का उल्लंघन करके ये फैसला। पीने के पानी के लिए अल्टरनेट व्यवस्था, ये समसामयिक है। कोई भी इसका विरोध करता है तो वो इंसानियत का विरोध करता है, एक जायज हक का विरोध करता है। नहीं, ये अब शक्तियां सबकी सब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से इस्तेमाल होंगी, क्योंकि नहीं, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार से आदेश देगा, उस प्रकार से उन आदेशों के तहत, पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश दिए थे कि CPWD खड़ी करो, और उसी CPWD के माध्यम से ये बनाई जाए, इस तरह के आदेश एक बार हुए थे, घटना इतिहास में है SYLK में। तो सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार के आदेश केंद्र सरकार को देगा, उस प्रकार से व्यवस्था करने, क्योंकि जो ये पीने का पानी है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी जाता है, ये सब भाखड़ा से आता है, 450 पानी दिल्ली का। उसको शंका है, कहते हैं कि अभी बीजेपी इसके ऊपर राजनीति करेगी। नहीं, इस पर जब भी कोई राजनीति करेगा वो इस विषय का नुकसान करेगा। अब इसको कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि धनखड़ ने प्रदेश में गठबंधन को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन रहता है तो उचाना सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी की हाईकमान तय करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।